Hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affair series called to the point zid se jeet tak एवरी वन आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन एंड जो आपकी तैयारी है बच्चे वो ऑन पॉइंट चल रही होगी अभी और लास्ट लास्ट का ये स्ट्रेच है तो थोड़ा सा रिविज़न के ऊपर आप थोड़ा जोर रखिएगा अभी तक जिसने टू द पॉइंट को रिलीजियसली फॉलो किया है सही से फॉलो किया है तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने नोट्स बनाए तो उसकी रिविज़न जो है आप ज़रूर शुरू कर दीजिए अभी स्टार्ट uh, फ्रॉम की पहली पाँच वीडियोज़ की आप रिविज़न कीजिए पहली छः वीडियोज़ की रिविजन कीजिए हिसाब से ताकि आप फेब तक आते आते जब तक आपके फॉर्म्स आएंगे तब तक आप थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाओगे सेम गोस फॉर दी पीपल जो लोग क्लास अटेंड करते हैं राइट जिसका बाय द वे उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे कम्पलीट uh, क्लास का लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाता है जो लोग उसको फॉलो करते हैं वहां पे उन लोगों को पता ही होगा कि हमने क्लास के अंदर एक रिवीजन शेड्यूल ऑलरेडी बना लिया है जिसके अंदर हम हर वीक पहले पांच डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिवाइज करने वाले हैं करंटली जो लगभग हमारे 22 डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं 22 डॉक्यूमेंट्स की क्लास हमारी ऑलरेडी लग चुकी है दैट मीन्स कि अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो अगर हफ्ते में हम पांच रिवाइज करते हैं दैट मीन्स कि आपका महीने के अंदर फोर फाइव से ट्वेंटी बीस डॉक्यूमेंट्स रिवाइज हो जाएंगे और उसके बाद में रिवीजन को हम साथ साथ करेंगे कि जैसे सेम डे अगर जैसे डॉक्यूमेंट नंबर 26 रिलीज हो रहा है तो उस समय हम डॉक्यूमेंट नंबर 26 के साथ साथ में डॉक्यूमेंट नंबर 24 25 26 ये तीनों चीजें रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास से पहले एंड इवेंचुअली हम पहले वाले का भी शेड्यूल उसमें ऐड कर देंगे ताकि सेम डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट आपकी तीन रिवीजंस हो जाएं राइट right? तो दिस इज द स्ट्रेटजी दैट वी आर गोइंग फॉर एंड किसी ने अगर अभी तैयारी शुरू नहीं करी है या सोचे कि, कि करंट अफेयर्स लास्ट में करने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो वो फुल क्लासेस हैं उसके साथ में जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच्ड मिलता है राइट right? तो उसको आप करना शुरू कर दीजिए क्लासेस आप अभी आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा वो आपके लिए आइए बच्चे आज के टॉपिक पे हम चलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 ये एक एनुअल इंडेक्स है बच्चे और अभी आपको पता है कि सीओ पी ट्वेंटी एट होके है बहुत रिसेंटली तो अब आपको बहुत सारे इंडेक्सेस देखने को मिलेंगे है ना कि ये इंडेक्स आ रहा है उन्होंने कोई पैक्ट बनाया है जैसे क्लाइमेट पैक्ट है या कोई और हेल्थ पैक्ट है तो उसके सपोर्ट के अंदर आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखेंगी वैसे ही जो जो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है कि जहां पर इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या इंडिया ने बहुत खराब परफॉर्म किया है या फिर इंडिया ने एब्सटेन किया है कि हमने ये पैक्ट साइन नहीं करना और उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई है तो वो सारी रिपोर्ट आपको मैं टू द पॉइंट के अंदर यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूं उसका ही ये पार्ट है बच्चे आइए बच्चे देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो रिपोर्ट है बच्चे इसमें आपने ध्यान, पहली चीज जो रिपोर्ट्स वगैरह में ध्यान रखनी होती है हालांकि यूपीएससी ने पिछले दो साल में नहीं पूछा है और उससे पहले यूपीएससी का बहुत ज्यादा ट्रेंड था कि वो पूछता कि रिपोर्ट किसने दी है तो वी कैन नॉट इग्नोर इट यूपीएससी किसी भी वक्त अपने उसी आई पे वापस आ सकता है उसी चलन पे वापस आ सकता है तो दैट्स वाई हमारे लिए किसी भी रिपोर्ट से पहले उसका जानना जरूरी है कि किसने वो रिपोर्ट पब्लिश करी है तो दैट इज द जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और ये एनुअली पब्लिश होती है सिंस टू क्यों ये तीन नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तीन नाम है तो इसका मतलब चौथा नाम उसके अंदर एड करके विच वन ऑफ दिंग इज नॉट अ पार्टी इन पब्लिशिंग है ना नॉट वाला क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकता है अगर तीन लोग यहां है, हैं राइट तीन एजेंसीज हैं आइए बच्चे देखते हैं क्या इंडिकेट करता है इट इट इंडिकेट्स क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स ऑफ 63 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन कि मिटिगेशन के एफर्ट्स चल कैसे रहे हैं राइट अब यहां पे आप देखेंगे कि रेटिंग में अगर देखते हो तो इंडिया आपका हाई रेटिंग में आता है तो इंडिया का रैंक बहुत अच्छा आया है इस बार और अगर आप लो रेटिंग में देखते हो तो चाइना लो रेटिंग में और वेली वेरी लो रेटिंग के अंदर आपको ये वाली कंट्रीज दिखेंगी जिनको हम डेवलप uh, नेशंस भी कह सकते हैं और सम पार्ट ऑफ द यूरोप वो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है इसको हम मैंने जो आपके लिए तोड़ा है इसे हमने जी ट्वेंटी के अंदर भी तोड़ के मैंने आपको दिखाऊंगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फोर की कैटेगरीज के अंदर ये जो है इवेल्युएट करता है दैट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये नंबर वन पे है बच्चे इसके अलावा बाकी जो तीन है उनकी बराबर वेटेज है तो अगेन आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सकता है इंडिया का इंडिया की परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया ने सेवंथ पोजिशन स्कोर करी है और पिछली बार एट्थ पोजिशन में थी और क्योंकि पहली तीन स्पॉट्स एम टी है किसी का भी रैंक वन टू या थ्री नहीं आया इसके अंदर ये एक इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर सीधा रैंक फोर से शुरू हुआ है रैंक फोर फाइव सिक्स सेवन राइट तो इंडिया का इफेक्टिवली जो आपको रैंक है वो आपको फोर्थ देखने को मिलेगा क्योंकि सेवंथ नंबर पे है दैट मीन्स आइए बच्चे स्कोर एंड रेटिंग ये बच्चे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसे अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि हमारा जो बेसिक कंट्रीज हैं बेसिक ग्रुप है उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्योंकि जनरली हम उनको उससे कंपेयर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर किसी को नहीं पता बेसिक कंट्रीज क्या है तो वो देख लेते हैं हम ये बच्चे एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है फॉर्म बाय फोर न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज इनको हम बेसिक ग्रुप बोलते हैं विच इज ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया एंड चाइना सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक ग्रुप तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे है कि चाइना ने फिफ्टी फर्स्ट पोजिशन ली है राइट right? मतलब अच्छी परफॉर्म अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है ये ब्राज़ील इज ऑन दी ट्वेंटी थर्ड पोजीशन जिन्होंने फिफ्टीन स्पॉट्स इंप्रूव किया है

It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, jeet tak. And if you are zidhi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough. For your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.